Bulyanaka, do you know that cybercrime is becoming a growing problem in Fiji? Cybercrime is defined as a crime in which a computer is the object of the crime, such as hacking and spamming. Cybercrime is also cyberbullying and using fake profiles to cause panic and spreading false news. If you're involved in this or know anyone who's committing these crimes, report them immediately. I'm Polly. And I'm Peter. We host a traffic jam show on City FM. From 3 p.m. to 7 p.m. every weekday. Do the right thing. नमस्कार फिजी समाचार दर्शन के साथ मैं हूं केतरिन कृष्णा। फिजी मेट्रोलॉजिकल ऑफिस ने आम किया है कि इसी हफ्ते बाद में शायद एक ट्रॉपिकल साइक्लोन डेवलप हो। अभी तक साइक्लोन की ट्रैक की पुष्टि नहीं हुई है। वेदर ऑफिस के अनुसार लो प्रेशर का एक इलाका धीरे धीरे देश की ओर बढ़ रहा है और शुक्रवार तक शायद इसका असर देश पर पड़े। एक प्रोजेक्टेड ट्रैक के अनुसार साइक्लोन का असर वनुअलेवु पर पड़ेगा, लेकिन एक अन्य ट्रैक में दिखाया गया है कि साइक्लोन का असर वीतिलेवु के वेस्ट पर पड़ सकता है। मेट ऑफिस के अनुसार अगले 72 घंटों में यानी बृहस्पतिवार तक अनुमान लगाया जा सकेगा कि साइक्लोन किस ट्रैक को अपनाती है। अनुमान है कि बॉक्सिंग डे के दिन रोतुमा में गंभीर बारिश के साथ तेज हवा चलना शुरू हो जाएगी। लोगों से मांग की गई है कि वे वेदर रिपोर्ट सुनते रहें और सावधानी बरतें। फिजी मेट्रोलॉजिकल ऑफिस सिचुएशन को मॉनिटर कर रही है। फिजी रेवेन्यू एंड कस्टम सर्विसेज ने पुष्टि की है कि वेस्टर्न डिवीजन के एक व्हीकल इंपोर्टर पर आरोप लगाया गया है कि कंपनी ने हाल ही में गैरकानूनी ढंग से 4 हाइलक्स गाड़ियों को देश में मंगाया था। FRCS के अनुसार ऐसा लगता है कि देश के कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे नेटवर्क के साथ जुड़े हैं जो गैरकानूनी कार्रवाइयों में शामिल होकर पैसे कमाना चाहते हैं। इन गाड़ियों को 2016 से 2019 के बीच इंपोर्ट किया गया था और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इन गाड़ियों की या तो चोरी दर्ज कराई गई थी या फिर इन्हें ओवरसीज से रिटर्न ऑफ किया गया था। रेवेन्यू एंड कस्टम्स 2 अन्य व्हीकल इंपोर्ट्स वाले मामले पर छानबीन कर रहे हैं। FRCS के चीफ एग्जीक्यूटिव विश्वनाथ दास का कहना है कि वे लैंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि इन गैरकानूनी कार्रवाइयों का पता लगाया जा सके। FRCS ने 4 गाड़ियों को जब्त कर लिया है। छानबीन के दौरान 2 FRCS के कर्मचारियों से भी पूछताछ की गई है। फिलहाल FRCS ने उनके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को टर्मिनेट कर दिया है। 16 कर्मचारी जो 4 अलग अलग कंपनी के लिए काम करते हैं को आउटस्टैंडिंग पे के तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट ने $10,000 पे आउट किया है। इन कर्मचारियों ने मिनिस्ट्री के साथ शिकायत दर्ज की थी कि उन्हें अंडर पे किया जा रहा है। कुछ कर्मचारियों को काम से भी निकाल दिया गया था। पिछले फाइनेंशियल ईयर में मिनिस्ट्री ने 3,900 लेबर इंस्पेक्शंस किया है और फेस्टिव सीजन के समय भी सर्वेलेंस करती रहेगी। खेलकूद की खबरों में कई स्पोर्ट्स पुरुषों और महिलाओं के लिए इक्वल प्लेइंग फील्ड के लिए जागरूकता फैलाते हैं और फिजी फुटबॉल भी यही कर रही है। और ये थे आज के मुख्य समाचार। याद रहे इन समाचारों को आप रेडियो फिजी 2 और मिर्च FM पर भी सुन सकते हैं। शुभरात्रि। साफ सुथरा वातावरण खूबसूरती बढ़ाता है, इसे गंदा मत करें। कूड़ा करकट को हमेशा सही तौर पर गार्बेज बिन में ही फेंकें। मैं जितेंद्र शांडिल, शामिल हो जाए मस्तानी शाम में मेरे साथ मंडे टू फ्राइडे शाम 4 से रात 7 बजे तक रेडियो फ्री 2 देश की धड़कन पर।